वेलकम टू दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे दही तिखारी। जिसके लिए सामग्री लिया है मैंने, दही लिया है जिसको मैंने क्रश अच्छे से मिक्स करके रखा है, जीरा है, नमक है टेस्ट के अनुसार, हींग पाउडर है थोड़ा सा, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये है एक पिंच जितना मैंने बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, बारीक कटिंग किया है, एक मिर्ची लिया है बारीक कट की हुई, हरा लहसुन लिया है तो एक टेबल स्पून जितना बारीक कट किया हुआ, और करी पत्ता लिया है। अभी तेल को हम गरम करने को रखेंगे। मैंने एक टेबल स्पून तेल लिया है। दही में मैं तब तक का टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूंगी और जीरा भी डाल दूंगी, जीरा पाउडर है। वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल जो है वो मेरा गरम हो गया है, तो उसमें मैं पहले जीरा डाल दूंगी, उसमें थोड़ा सा अदरक है वो डाल दूंगी, मिर्ची डाल दूंगी बारीक कटा हुआ, मैं आधा लहसुन कच्चा डालूंगी और आधा है वो तड़का में दूंगी, थोड़ा सा करी पत्ता और लहसुन डाल दूंगी, बाकी बचा मैं इसमें ही कच्चा डाल रही हूँ, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अच्छे से उसको जरा सा पकने देंगे और लाल मिर्ची है मैं इधर ही स्प्रिंकल कर रही हूँ। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। देख सकते हैं तड़का हमारा अच्छे से हो गया है, तो मैं उसको गैस बंद करके तड़के को मैं दही में स्प्रिंकल कर दूंगी। अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा दही तिखारी रेडी हो गया है, जिसको आप पराठा या थेपला उसी के साथ खा सकते हैं, किसी के भी साथ।